आकाशवाणी राजकोट। पवित्र श्रावण मासना पावन सोमवारे विशेष अर्चना शिव महिमा। संकलन अने प्रस्तुति सुधीर दत्ता। शिव महिमा। वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिव शंकरम। देवों ना गुरु जगत ना कारण रूप ससदर जीवों कल्याण करनारा सूर्य चंद्र अग्नि रूपी त्रिनेत्र वाला देवो दानवो बन्ने ना प्रिय एवा शंभु शिव आशुतोष जटाधर नंदीश्वर नीलकंठ सदाशिव गंगाधर शंकर ने अमारा सत सत वंदन। पवित्र श्रावण मास मा जेना सर्वत्र गुणगान गवाय छे तेवा भोळानाथ महादेव शंकर ने याद करिए आ प्रातः समये। भोर समय भवतारण बोलो पूजा प्रेम करीन रे। भोर समय भवतारण बोलो भोर समय भवतारण बोलो।
होर समय भवतारण भोळो पूजो प्रेम करीन रे भोर समय भवतारण भोळो होर समय भवतारण भोळो भोर समय भवतारण पवित्र श्रावण मास एटले शिवनु स्मरण शिव कथानु श्रवण अने शिवने शरण जवानो पावन समय जो कोई आवी चढ़ावे जड़ तो एनी काया करू निर्मल जो कोई आवी चढ़ावे बिली पत्र तो धरू एने कल्याणनु छत्र आवा शिवनी पूजा माटे मात्र एक नानू सु बिली पत्र एक जड़नी लोटी हृदयमा नानी श्रद्धा अने नक्षिक पवित्रतानी ज जरूर पड़े छे। शिवजीनी महिमा सदियोथी गवाय छे। चारे वेदोमा उपनिषदमा शास्त्रो पुराणोमा अने संस्कृतनी अनेक साहित्य धारामा तेनो उल्लेख थाय छे। मोक्षदाता शिवजी माटेना अनेक संस्कृत स्तोत्रमानो एक सुंदर स्तोत्र एटले बिल्वाष्टकम। त्रिदलम् त्रिगुणाकारम् त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारं एक बिल्वं शिवार्पणं 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 त्रिदलं त्रिगुणाकारम्
दन्ति कोटि सहस्रान् वाजपेय शतानि च कोटि कन्या महादानम् एक बीवं शिवार्पणम् 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 त्रिदलं त्रिगुणाकारम् कमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोकम् अवाप्नुयात् त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारं एक बिल्वं शिवार्पणं 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 शिव एटले कल्याणकारी दुख हरता सुख करता शिवजीना अनेक नामों में मुक्तेश्वर त्रिभुवनेश्वर अमरनाथ महाकालेश्वर रामेश्वर सोमनाथ विश्वनाथ भोलानाथ आवा अगणित नामों में तेमना महान कार्यों की अभिव्यक्ति थाय छे। परमात्मा शिव अजन्मा अभोक्ता अने अकर्ता छे, तेवो स्वयंभू छे। शंकर एटले संहार करनार, दुष्टोनो पापीओनो अने असुरोनो संहार करनार एवा शंकर महादेवना स्मरण मात्रथी सुखनी अनुभूति थाय छे अने कल्याणनी प्राप्ति थाय छे। शंकर महादेव देव सेवक सब जाके, शंकर महादेव देव सेवक सब जाके, सेवक सब जाके लाल नौकर हम वाके, सेवक सब जाके लाल नौकर हम वाके।
लपट लपट जात बाल ओढ़त तन झरत खाल लपट लपट जात बाल लपट लपट जात बाल ओढ़त तन झरत खाल रुंड माल चंद्र भाल द्रग विशाल जाके रुंड माल चंद्र भाल द्रग विशाल जाके शंकर महादेव देव सेवक सब जाके भस्म अंग शीश गंग बाहन अति बल प्रचंड भस्म अंग शीश अंग शीश गंग बाहन अति बल प्रचंड गिरजार झंग संग रूढ़ माल जाके गिरजार झंग संग रूढ़ माल जाके शंकर महादेव देव सेवक सब जाके डमरू ऊपर ध्यान धरत दानव कुल प्राण हरत डमरू ऊपर ध्यान धर डमरू ऊपर ध्यान धरत दानव कुल प्राण हरत ऐसे प्रभु भेख धरत नीलकंठ जाके ऐसे प्रभु भेख धरत नीलकंठ जाके शंकर पावत नहीं पार शेष ध्यावत सुर मुनि नरेश पावत नहीं पार शेष पावत नहीं पार शेष ध्यावत सुर मुनि नरेश नारद मुनि ध्यान धरत ब्रह्मा देख जाके नारद मुनि ध्यान धरत ब्रह्मा देख जाके शंकर सेवक सब जाके सेवक सब जाके लाल नौकर हम वाके सेवक सब जाके लाल नौकर हम वाके शंकर महादेव देव सेवक सब जाके सेन अति अनूप निर्खत शंकर को रूप तान सेन अति अनूप तान सेन अति अनूप निर्खत शंकर को रूप बारू कोटि कभोप चरणन पर जाके शंकर महादेव देव सेवक सब जाके सेवक सब जाके लाल नौकर हम वाके शंकर महादेव देव सेवक सब जाके शंकर महादेव देव सेवक सब जाके शंकर महादेव देव सेवक सब जाके सीधा साधा भोड़ा एवा शिवनु स्वरूप बिल्कुल सहज छे सीधू ने साधु छे गळामां सर्प शरीरे वलकल અને ભસ્મનું લેપન માથે જટા અને રુદ્રાક્ષનો સાદો શૃંગાર મોહ માયાથી પર એવું આ સ્વરૂપ સંસારની માયાજાળમાંથી છૂટવાનું સૂચક સ્વરૂપ છે મોહ લોભના બંધનોમાંથી છૂટવાનો રસ્તો જોઈતો હોય તો આવા શિવનું સ્વરૂપ સતત સ્મરણમાં રાખવું પડે જોગી તપસ્વી કે જતીના જેવું શિવજીનું આ સ્વરૂપ પ્રશંસાને પાત્ર છે
शिव जोगी जस गाओ बाबा, शिव जोगी जस गाओ बाबा, मैं जोगी जस गायो रे, शिव जोगी जस गाओ बाबा। सात समंदर की मसी करू, लेखिनी करू वनराय, धरती सो कागज करू पर शिवयस लिखो न जाय। अनेक पापो तापो ने संतापोथी त्रस्त एवा आ पृथ्वीना प्राणी ने विश्राम अने शांति मळे छे शिवना चरणों मा, कारण के कल्याणकारी शिव पोते प्रेरणा आपे छे सहजतानी सरळतानी।
યજુર્વેદમાં અષ્ટાધ્યાયી રુદ્રીમાં રુદ્રના સર્વશક્તિમાન સ્વરૂપનું સુંદર વર્ણન છે. આ રુદ્ર અષાઢી વાદળ બની મેઘ ગર્જના કરે છે. સૌરમંડળને પ્રકાશિત કરનાર સૂર્ય પણ આ રુદ્રનું એક સ્વરૂપ છે. ખેતરો પર વર્ષા બનીને જીવનની આશામાં પણ તે લહેરાય છે. કામધેનુ જેવા પશુઓના આંચળમાંથી પયોમૃત રૂપે પણ તે સ્ત્રવે છે અને શરીરમાં પ્રાણવાયુ બનીને પણ તે જ ધબકે છે. આવા શિવ શંભુની ધૂન જો આપણને લાગી જાય તો જીવન ધન્ય બની જાય. ઓમ શિવ સત્ય સદા શિવ, ઓમ શિવ ઓમ શિવ સત્ય સદા શિવ, ઓમ શિવ ઓમ શિવ સત્ય સદા શિવ, શરણમ મુક્ત મહાશિવ તવ શરણમ, મુક્ત મહાશિવ તવ શરણમ, મુક્ત મહાશિવ તવ શરણમ,
आहति पवित्र श्रावण मासना पावन सोमवारे विशेष अर्चना शिव महिमा। संकलन अने प्रस्तुति सुधीर दत्ता। प्रसारण आकाशवाणीना राजकोट केंद्र पर थी करवामां आव्युं। Thank you.